हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड से भी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। परीक्षा के बजाय औसत अंक देकर पास करने पर सहमति। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में भी स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जाम के प्रमोट करने पर सहमति बन चुकी है। उससे पहले आपको ये न्यूज मिल ही चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश में 48 लाख छात्र छात्राओं को प्रमोशन का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ने यूनिवर्सिटी परीक्षाएँ रद्द कर दी उत्तर प्रदेश में और सभी स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जाम के प्रमोट किया। लेकिन हम यहां पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट के स्टूडेंट्स के बारे में। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, कोरोना संकट के चलते इस साल विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं होने की संभावना काफी कम हो गई है। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही देश के कई विश्वविद्यालय पहले ही छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा कर चुके हैं। उत्तराखंड में भी विश्वविद्यालय शिक्षक और छात्रों के बीच इस पर लगभग आम सहमति बन रही है। हालांकि अंतिम निर्णय के लिए सबकी नज़र यूजीसी व केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा 22 मई को जारी निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 1 से 30 जुलाई के बीच आयोजित करने की डेडलाइन तय की थी, पर कोरोना के चलते उक्त डेडलाइन में भी परीक्षाएँ संभव नहीं हो पा रही। ज़्यादातर विश्वविद्यालय मान रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप लंबा चलेगा, ऐसे में परीक्षा के बजाय छात्रों को औसत अंकों के आधार पर प्रमोट करने का ही विकल्प शेष है। जिस टाइप से उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जाम प्रमोट किया गया, निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्धन के मुताबिक परीक्षा कराना मुख्य रूप से विश्वविद्यालय का ही अधिकार क्षेत्र है। विश्वविद्यालय सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का यहां पर क्या कहना है, स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में बड़ी संख्या प्रदेश से बाहर के छात्र भी पढ़ते हैं, परीक्षा कराने पर उन्हें आने जाने में दिक्कत पैदा होगी। ऐसे में हालात सामान्य रहे तो अगस्त में फाइनल ईयर के छात्रों की ही परीक्षा हो सकेंगी। शेष कक्षाओं के प्रमोट करने का ही विकल्प बचता है। अंतिम निर्णय के लिए यूजीसी गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही अदर यूनिवर्सिटीज़ के वीसी का भी यही कहना है, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। अलग अलग वाइस चांसलर्स ने यहां पर अपनी राय व्यक्त की है। सो फ्रेंड्स, ये थी उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ आपको लगातार मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना।